क्योंकि दिए में है तेल कितना ये केवल रात बताती है। प्रेम प्रेम चिल्लाएं सब पर प्रेम न जाने कोई, प्रेम प्रेम चिल्लाएं सब पर प्रेम न जाने कोई, प्रेम में सब संयोग चाहें पर त्याग न चाहे कोई। थैंक यू भैया। नवरात्र चल रहे हैं तो स्टार्टिंग कुछ ऐसे सोचा था कि अब ना शुंभ है प्रत्यक्ष ना ही निशुंभ है प्रत्यक्ष, अब ना शुंभ है प्रत्यक्ष ना ही निशुंभ है प्रत्यक्ष, स्वयं के दुर्विचार ही बन चुके हैं शत्रु, जागो चामुंडा अंतःकरण में कर दो विनाश ही के हर पाप का, पुनः कर दो जागृत पवित्रता अंतःकरण में। न जानूं मैं भक्ति न जानूं मैं ज्ञान, न जानूं मैं भक्ति न जानूं मैं ज्ञान, तुम ही बताओ कैसे करूं मैं तुम्हारा ध्यान, न जानूं मैं भक्ति न जानूं मैं ज्ञान, तुम ही बताओ कैसे करूं मैं तुम्हारा ध्यान, संपूर्ण जगत की माँ हो तुम, सिर पर रख दो हाथ और ले लो अपनी शरण में, जागो चामुंडा अंतःकरण में कर दो विनाश ही के हर पाप का, पुनः कर दो जागृत पवित्रता अंतःकरण में। ऐसा कहते हैं कि जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं है हम सामने वाले को जज नहीं कर सकते, वैसे जज तो किसी को ही नहीं कर सकते, पर फिर भी कि परख नहीं सकते यूं नज़रों से किसी को, परख नहीं सकते यूं नज़रों से किसी को, इंसान की प्रकृति उसकी हर एक बात बताती है। ज़रूरी है संघर्ष त्याग और अंधकार भी जीवन में, जरूरी है संघर्ष त्याग और अंधकार भी जीवन में, क्योंकि दिए में है तेल कितना ये केवल रात बताती है, क्योंकि दिए में है तेल कितना ये केवल रात बताती है। आगे आगे कुछ ऐसी कंडीशन में लिखा था, जब सेटिस्फेक्शन सा नहीं मिलता ना तब लिखा था कि भीड़ में भी शांति पाई और एकांत में कोलाहल, भीड़ में भी शांति पाई और एकांत में कोलाहल, स्वयं से ही द्वंद्व था सो निकल ना पाई बाहर। कैसे विजयी होती इस द्वंद्व में, कैसे विजयी होती इस द्वंद्व में, मैं ही तो अवरोधी थी, मैं ही मेरे पक्ष में और मैं ही तो विरोधी थी, मैं ही मेरे पक्ष में और मैं ही तो विरोधी थी। आगे कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन टाइप से लिखा था कि मैंने सूरज को सिहरते और चांद को भी जलते देखा है, मैंने सूरज को सिहरते और चांद को भी जलते देखा है, मैंने लोगों की भीड़ में लोगों को लोगों के लिए तरसते देखा है, मैंने लोगों की भीड़ में लोगों को लोगों के लिए तरसते देखा। इस जीवन में जो पूजा करनी थी वो पूरी ना हुई, इस जीवन में जो पूजा करनी थी वो पूरी ना हुई, पर ये अधूरी पूजा भी विफल नहीं होगी ये मैं जानती हूँ। कुछ इच्छाएं कुछ ख्वाहिशें पूरी ना हुई, पर ये अधूरी ख्वाहिशें भी विफल नहीं होंगी ये मैं जानती हूँ। जो कुछ पीछे छूट गया वो भी विफल नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का अतीत उसको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। आँखों से आंसू तो बहुत निकले, आँखों से आंसू तो बहुत निकले, पर वो आंसू जो आँखों के अंदर ही रह गए वो भी विफल नहीं होंगे ये मैं जानती हूँ, क्योंकि उस हर एक आंसू ने मुझे कुछ नया लिखना सिखा दिया। नहीं जानती कि मेरा लिखा किसी को पसंद आता भी है या नहीं, पर हाँ मेरी कलम जब चलने के बाद रुकती है तो सुकून बहुत मिलता है ये मैं जानती हूँ। यूं तो बहुत बोलती थी मैं, सच में बहुत बोलती थी मैं, पर मेरे वो शब्द जो बाहर ही ना आ पाए वो भी विफल नहीं होंगे, क्योंकि कोई तो होगा जो इन शब्दों के पीछे के भाव को समझेगा, कोई तो होगा जो मेरी मुस्कुराहट के पीछे की तकलीफ को समझेगा। हर इंसान अपने सपनों के लिए प्रयास करता है संघर्ष करता है, किंतु यदि किसी दशा में उसके वो स्वप्न पूर्ण ना हो तब भी वो प्रयास विफल नहीं होगा, वो संघर्ष शून्य में कदापि नहीं मिलेगा ये अटल है और ये मैं जानती हूँ। एंड लास्ट मैं दो पंक्तियों के साथ करना चाहूँगी
कि पानी में पानी मिले ना मिले तेल के संग, पानी में पानी मिले ना मिले तेल के संग, ज़्यादा शीतल ना बने क्योंकि लिपटे रहत भुजंग। लास्ट लाइन में उपमा अलंकार का यूज़ किया है जिसमें शीतल स्वभाव को उपमा दी गई है चंदन के वृक्ष की, मतलब मैं नहीं दी है ना। तो ये कह सकते हैं कि ज़्यादा मीठा नहीं बनना है किसी के भी सामने, क्योंकि जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, गन्ना मीठा होने पर ही तो कोल्हू में पेरा जाता है, गन्ना मीठा होने पर ही तो कोल्हू में पेरा जाता है।